पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में 6 बार निर्दलीय विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शहीदों के परिवार की सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। 6 बार से निर्दलीय विधायक रहे और पिछले दिनों अपनी पार्टी जनसत्ता बनाने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी सवाल करते हुए ट्वीट किया है कि हम आखिर कब तक बातों की श्रद्धांजलि ही शहीदों को देते रहेंगे। इस बार जनता की भी यही राय है कि ऐतिहासिक कार्यवाही होनी चाहिए और हमें सीधे हमला करना चाहिए। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए रघुराज प्रताप सिंह ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली 25 लाख की राशि को काफी कम बताया है और कम से कम 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।